mm -hmm. वालेकुम सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी और दुआगो हैं कि अल्लाह ताली आपका और हमारा साथ ऐसे काम दायम रखे और आप हमसे मोहब्बत का इजहार करते रहें अपनी राय से हमें आगाह करते रहें और हम आपकी राय के मुताबिक जो बेहतरी लाने की कोशिश है वो करते रहें वैसे सुबह सुबह बड़ा मज़ा आता है कि जब आप चुस्कियाँ ले रहे हो गरम गरम कॉफ़ी की और साथ आपसे गुफ्तु हो रही हो और गुफ्तु पे मुझे याद आया कि आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनली बैन अवी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर तालीम हासिल करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल करना चाहते हैं यानी अब आप कहेंगे कि मैं जीनियस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है इफ़ देर ज़वील देर ज़वी अगर आप कोशिश करें तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है और तालीम का हसूल वो वालदे हो औलाद हो या इंडिविजुअल कोई एक पर्सन हो अपनी कोशिश होती है कि अच्छी तालीम हासिल की जाए तो जनाब आज मैं आपको बताऊंगा जो मेरा टॉपिक भी होगा कि स्कॉलरशिप्स को कैसे तलाश किया जा सकता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर आप तलीम हासिल करना चाहते हैं बहुत से स्टूडेंट्स का ये ख्वाब होता है कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर अपनी पसंद के शोबे में मज़ीद तालीम हासिल कर सकें मगर हर तलब इल्म का ये ख़ाब पूरा नहीं होता वजह उसकी बाज़ अवत माली अदम इसकाम बनती है और बाज़त स्टूडेंट्स मतलूबा ग्रेड हासिल नहीं कर पाते जिसकी वजह से उन्हें उनकी पसंदीदा कॉलेजेज़ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं मिल पाता जबकि दूसरी जानब हर साल बढ़ती हुई ट्यूशन फ़ी और दीगर अखराज भी कई तलब इलमों को आगे बढ़ने का सफ़र रोकने का बास बनते हैं हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने ख्वाबों को सच कर दिखाने के लिए खूब मेहनत करते हैं और बिलाआर अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं स्कॉलरशिप्स में भी ऐसी ही एक चीज़ है जिसको अपने ख्वाबों को सच कर दिखाने के सफ़र में मददगार साबित होती है जो तलब इलम माली परेशानियों के बास अपना तालीमी सफ़र जारी नहीं रख सकते उन्हें चाहिए कि पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ स्कॉलरशिप हासिल करने की भी कोशिश करें अगरचे इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर साल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जानब से महदूद तादाद में स्कॉलरशिप ऑफर की जाती हैं जबकि उन्हें हासिल करने के लिए सैकड़ों बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स मुसलसल कोशिशें कर रहे होते हैं जबकि चंद ही ऐसे खुशकस्मत स्टूडेंट होते हैं जो स्कॉलरशिप हासिल करके अपनी पढ़ाई को जारी रखने में कामयाब होते हैं वो कहते हैं ना कि जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि अगर आप कोशिश करें तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नामुमकिन है आप सब कुछ कर सकते हैं तो इसी तरह स्कॉलरशिप भी हासिल किया जा सकता है अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो मैं चीदा चीदा बता दूं कि अगर इन पे फोकस किया जाए तो आप डेफिनेटली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं यानी जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके स्कॉलरशिप की तलाश शुरू कर दें कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में साल के अवैल में ही स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया जाता है जबकि जो मेन्टेलिटी रहती है सोच ये होती है कि उस वक्त आपका कॉलेज भी शुरू हो चुका होता है तो आप सोचते हैं कि अभी से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई क्यों करना है जबकि सोच बिल्कुल कारगर नहीं है आ, होता ही है कि स्कॉलरशिप हासिल करने के एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इसलिए कॉलेज के शुरू के दिनों में ही अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की ऑफ़र नज़र आए तो फौरन उसके लिए अप्लाई करें फर्स्ट पॉइंट सेकेंड मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें मुख्तु जगहों को आप ट्राई करें जितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए आप कोशिश करेंगे आपकी कामयाबी के इम्कान उसी कदर बढ़ते जाएंगे इस कोशिश के नतीजे में आप कम अज़ कम एक या दो स्कॉलरशिप्स को हासिल कर ही लेंगे बाई चॉइस है कि आप जितने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को हिट करेंगे वहां पर अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपके चांसिस उसी तरह से ब्राइट होते जाएंगे इसके बाद मकामी सतह पर स्कॉलरशिप तलाश करें मकामी सतह पर स्कॉलरशिप तलाश करने का एक फ़ायदा तो ये है कि इसमें आपके मुकाबले में सिर्फ मकामी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें आप अपनी काबिलियत और मेहनत से ही हरा कर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं जबकि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के हसूल के लिए दुनिया भर से स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे होते हैं जिसके बामी स्टूडेंट्स की कामयाबी का इम्कान कम हो जाता है अगर आप इंटरनेशनली ट्राई कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं और अगर आप अपने मुल्क में भी ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस पर काम कर सकते हैं और अगर अगेन बैन अवी तौर तो पर स्कॉलरशिप के हसूल की कोशिश की जा रही है तो फिर आप जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं मीडियम है नए दौर के उन पे कोशिश कर सकते हैं गूगल से आप मदद ले सकते हैं आजकल चूंकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों ने बासलाहियत उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन स्कॉलरशिप्स का ऑप्शंस भी दे दे रखा है अगेन एक अच्छी ऑप्शन है इसके बाद अपने खानदान और कम्युनिटी के साथ मेल जोल बढ़ाएं हमारा दीन इस्लाम हमारा मज़हब इस बात की हमें बार बार तलकिन करता है कि आपस में मरासम आपस में ताल्लुकात अच्छे रखें तो ये वही बात है स्कॉलरशिप के हसूल के लिए अपनी दरख्वास को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए कम्यूनिटी की सतह पर काम करना आपको फायदा पहुँचाएगा ये भी कारगर हो सकता है और एक जो अहम बात है अपने बारे में एक पुरअर मजमून लिखें अपने बारे में मजमून लिखते हुए यह इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाए जिससे आपकी तहरीर में असर पैदा हो और पढ़ने वाले को लगे कि आपके अंदर एक बेहतरीन लिखने वाला एक बेहतरीन कलमकार मौजूद है वो सारे खवास आप में मौजूद हैं अपने बारे में बताना बहुत अहम है और फिर उसको बेहतर तरीके से प्रजेंट करना ये भी बहुत अहम है स्पॉन्सर्स के बारे में अच्छी तरह तहकीक करें बड़ा अहम पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हर स्कॉलरशिप के कुछ ना कुछ मखसूस ऑप्शंस होते हैं जिन पर पूरा उतरने वाले स्टूडेंट्स ही वो स्कॉलरशिप हासिल कर पाते हैं इसके लिए किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में इल्म होने पर अच्छी तरह तहक़ीक करें उसकी गहराई में जाएं और पता लगाएं कि स्कॉलरशिप क्यों दी जा रही है और किस किस्म के स्टूडेंट्स को दी जाएगी स्कॉलरशिप ऑफर करने वाली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की अच्छी तरह जांच पड़ताल करें ऑर्गेनाइजेशन के अगराज मकाद के बारे में बयान की गई पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें और जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो अपने मजमून में इसका हवाला भी दें अहम पॉइंट है और आखिर में मैं आपको एक चीज़ और अहम है कि जो हमें थ्रू आउट स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए अपने जहन में रखना है कि अपना जो हाई जी है उसको आप सस्टेन रखें मुस्कम रखें कंसिस्टेंसी हो उसमें आप चाहे मुल्की सतह पर स्कॉलरशिप तलाश कर रहे हो या इंटरनेशनल लेवल पर एक चीज़ का ख्याल आपको हमेशा रखना होगा और वो है आपका जी यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज याद रखें कि स्कॉलरशिप्स देने वाले इदारे ऐसे बासलाहियत स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करते हैं जिनका जी हाई हो ऐसे काबिल और बासलाहियत स्टूडेंट्स जो पढ़ने में भी अच्छे हों और हम नसाबी सरगर्मियों में भी आगे हों ऐसे स्टूडेंट्स को हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज ख़ुशी खुशी, खुशी स्कॉलरशिप देने को राज़ी हो जाते हैं इसलिए अपने जी को हाई करें और अगर आपका जी पहले ही से हाई है तो इसको मस्तकम रखें छोटी सी डिटेल थी जो कि ज़रूरी थी हमारे उन दोस्तों के लिए हमारे उन यंगस्टर्स के लिए या हमारी एज ग्रुप के लोगों के लिए जो कि प्रोफेशनली कोई स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं किसी डिग्री को हासिल करने के लिए तो आप इन पॉइंट्स पे काम करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अगर आपको दीन के हवाले से कामयाबी चाहिए तो फिर हमारा प्रोग्राम भी आपके लिए एक मशा है, है कि हम दीन के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो अमूमन हमें पता नहीं होती और जब पता चलती है तो हम कहते यार ये छोटी छोटी चीज़ें थी ये कर लेते तो जिंदगी और मजीद बेहतर हो जाती तो जनाब इसीलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपको पता है हमारा फॉर्मेट क्या होता है आपको बताता चलूँ तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं आज का वजीफा या आज के पैकेजेस आपको बताए जाते हैं कि कम वक्त में आप कितने ज्यादा स्वाब हासिल करने के मौाक़े हासिल कर सकते हैं आपके जो सवालत हैं उनके जवाब शामिल किए जाएंगे और जैसा कि मैंने आगाज में आपसे शेयर की बात कि आज का जो मेरा टॉपिक होगा पाकिस्तानी तलबा बैन अवी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप पर दाखिला कैसे ले सकते हैं इस पर एक पूरा हम सेशन रखेंगे जिसपे हम गुफ्तु करेंगे और आखिर में फिर हम हमदोनाथ या नज्म शामिल करते हैं और आज सेगमेंट है जादू जन्नात के सवाल का जवाब देने का तो आखिर में वो भी शामिल करेंगे स्टूडियोस में जो मजिज़ मेहमान मौजूद हैं उनकी जानब चलूँ और आपको तारुफ करवाऊँ मेरे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद इमरान सल्फी साहब फाजिल करात अशरा हैं इनको वेलकम करेंगे कारी साहब असल कैसे सर खैरियत से माशाला इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं अरसा दराज सहदीस और शरीय के उस्ताद हैं पी एच डी इस्कॉर हैं और मैं इनको प्यार और अकीदत से उस्ताद मोहतरम कहता हूँ तो इनको भी वेलकम करते हैं उस्ताद मोहतरम असल वरम् कैसे हैं सर आप खरीद से आप ठीक है अलहमदिल्ला सर दुआएँ आपकी अभी चलते हैं कारी साहब की जानबी तलावत कुरान करीम सुनने का शरफ़ हासिल करते हैं कारी साहब गुजारिश है तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء وتركنا يوم 와 oh. Subhanallah. Subhanallah. والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيدنا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ صدق الله العظيم माशा जज़ाला खाई साहब अल्लाह आपको जज़ा खैरतः फरमाए बड़ी साहब आज का जो पैकेज है जी भी वो बयान कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं बिसमिल्लर अल्हदलमिनसलात वाम अशरफलबियामरसली بعد यामि भाई हमारे एक बहुत बड़े दुश्मन साहब हैं जो हर वक्त पीछे लगे रहते हैं छोड़ते नहीं इंसानों को और ख़ास तौर पर वो मुसलमान जो अक़ीदे का मज़बूत हो जाता है जो अपने अमाल में बेहतरी ले आता है जो गुनाहों से दूर रहना शुरू हो जाता है उसके साथ उसकी जंग बहुत तेज़ हो जाती है फिर वो उसको परेशान करता है अब जब उसका ज़ोर नहीं ना चल रहा होता कि इससे गुनाह करा ले बुराइयाँ करा ले तो फिर वह दूसरा हरबा इस्तेमाल करता है उसको टेंशन देने का उसको परेशान करने का वस वसे डालने का क्या कहता है आगे कि तूने वो फ़ला टाइम पर ये जो गलती की थी पता नहीं तुझे अभी तक माफ़ी मिली होगी कि नहीं आपने कभी सुना कि अच्छा खासा नमाजी आदमी हमारी नमाजी बहनें, वो फ़ोन करती हैं कि जी वो मैंने मुझसे गलती तो हो गई लेकिन उसी मैंने तोबा भी की बार बार भी की मैंने सदका भी किया मैं नफल भी पाड़ रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों दिल परेशान रहता है तो वो परेशान क्या है अल्लाह तो अरहमर है, है। आंसू का एक कतरा नदामत का जब गिरता है तो वो कुछ सारी जिंदगी की सही धोने के लिए काफी होता है सुभान फिर सुभान भी परेशान किया तो ये वो शैतान है जो अंदर आकर आपको परेशान करता है कि अल्लाह आपका नाराज है तो भी हम कोशिश कर रहे हैं उसको राधी करने की आपको क्या मसला है वो कहता नहीं नहीं वो आपने जो नमाजें पढ़ी थी वो नहीं कबूल हुई होंगी आपका वो जो हजा आपने किया वो भी खतरे में है आपने जो सदका खराज किया वो भी ऐसे है तो वो इंसान को अंदरूनी तौर पर परेशान रख के तो इबादत से जैसे बंदा टेंशन का शिकार हो जाएगा तो वो वाहर नमाज भी फिर कैसे पड़ेगा यकसुई नहीं रहेगी यकसुई नहीं, नहीं रहेगी परेशान होकर वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाएगा तो ये उसका बहुत बड़ा हरबा है कि मोमिन को वसवसे डालकर कभी अल्लाह के बारे में कभी उसकी रहमत के बारे में कभी उसके गुस्से के बारे में मुख्तलि किस्म के ख्याल डाल डाल के तो बंदे को मायूस करना उसका हदफ होता है तो अल्लाह इज़्ज़त ने अपने महबूब मोहम्मद की जबानी ऐलान करवाया कि मेरे महबूब ऐलान कर दो अल्लाह किन के लिए कि उनके लिए जो गुनाह कर करके थक चुके हैं ना ला थकना तो मेरे मेरी से तो वो भी मायूस ना हो तो जोयदा माफी मांग रहा है जो नमाजें पढ़ रहा है जो अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहा है वो भला क्यों मायूस होगा तो शैतान इनको जो परेशान करता है आज का पैकेज इस परेशानी का हल है कि हमारा वो भाई वो बहन जो अल्लाह रब्बुल रबुल्जत को राधी करने की भरपूर कोशिश कर रहा है मेहनत कर रहा है नकिया कमा रहा है फिर भी शतान आकर उसको डंग मारे तो करना क्या है वो फौरन जुबान से पढ़े वल बिल्कुल सबसे पहले वही था कायन उसने बनाई है इससे पहले कुछ नहीं था वो ही आखिर में होगा सब कुछ फना हो सकता है तबाह हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो वो ज़ात उस वक़्त भी मौजूद होगी मेरा ही मान उस पर है मैं तो उसको मानने वाला हूँ वो जाहिर भी है और वो बातिन भी है जाहिर का मतलब है क्या पूरी कायनात की हर मखलूक पर उसकी कुदरत उसका हुक्म चलता है वो गालिब है उसके सामने कोई बोल भी नहीं सकता और उसके मुकाबले में कोई आ भी नहीं सकता तो मेरा तो उस हस्ती के साथ है जिसके पास हर कुत हर ताकत हर वसीला हर सबब तो उसके पास है मैं उसके बेशर. साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे परेशानी क्या है और वो बातिन भी है यानी जिस तरह इंसान का पेट उसके जिस्म के साथ है वो मालिक कहता है मैं भी बहुत करीब हूं मेरे बंदे परेशान ना हो तो वो आवाज़ देख के तो देख मैं सुनता कैसे हूँ तेरी और इसका एक माना वो भी है कि वो हर चीज से जाहिर भी हो रहा है हर चीज में उसकी कुदरत नजर आ रही है वो गवाही दे रही है कि एक अल्लाह इस कायनात को चलाने वाला है जमीन पर देखें रात को सितारे देखें चांद को देखें सूरज को देखें पूरी कायनात में गौर वफिक करें तो इसको बनाने वाला चलाने वाला वो मालिक है ना तो ये छोटा सा इंसान ये क्या है या ये इसको नहीं चलाएगा और वो मखफी है पोशीदा है अभी उसने अपना नुरानी चेहरा छुपाया हुआ है नुरानी पर्दों में छुपाया हुआ है बहुत मतलब है कि वो खुद पुशीदा है। इतना पोशीदा को कोई देख नहीं सकता और नबी रिजाबर उसने नी पर्दे अपने चेहरे पर डाले हुए हैं अगर वो अपना चेहरा मुबारक दिखा दे तो जहां तक उसकी नजर जाए कायनात बुसम हो जाए किसी में सकत ही नहीं है देखने Allah की, की। अलबत् जन्नत में अल्लाह वो, वो मालिक अपने बंदों को वो कुवत भी देगा देखने की और उनकी सारी सलाहें ला कर देकर जन्नत में ज्यादात भी करवाएगा ये हमारा ईमान है तो वो उस अल्लाह के साथ भी जो अव्वल भी है, है आखिर भी है जाहिर भी है बातन भी है वाह हुआ बिल्कुल वो हर चीज को जानता भी है हर चीज पर कुदरत भी रखता है तो जिस बंदे का तलक उस मालक के साथ हो जाए वो शैतान के वसवसों में नहीं आता फिर वो मजबूत हो जाए कल भी तौर पर शैतान आकर वसवस डाले तो तुम्हारी वो दुआ नमाज तोबा को बोलनी होगी उसमें तो चल जा दू अब शेतवा तो सहाबा कराम जो ईमान के पहाड़ थे जिनके ईमान पहाड़ों जैसे मजबूत थे उनको भी शैतान कभी कभी आगे इस तरह तंग करता था तो वो परेशान होकर आया नबी ये ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि जुबान पर लाते हुए भी डर लगता है आपने फरमाया वाकई ऐसे ख्याल आने लग गए जी अल्लाह करो हम तो बड़े परेशान हैं आपने फरमाया ज़ा का सरीहुल ईमान जब शैतान यहाँ तक पहुँच जाए तो समझ लो कि पक्का खालिस प्योर ईमान इस दिल में मौजूद है इसीलिए चोर आया है डाका मारने के लिए अल्लाह हु अकबर अल्ला तो जहाँ ये नहीं होता वहाँ उसको जाने की जरूरत नहीं होती तो जो बंदा शराब पी रहा है गुनाह कर रहा है बुसकारियाँ कर रहा है बुरे काम कर रहा है वहाँ जता नहीं जाता उसको बस वसव डालता क्योंकि वो तो पहले ही बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है उसका तो जहां खालिश ईमान प्योर ईमान होगा वहाँ वो आखिरी हरबे के तौर पर ये वसवासे डालेगा और उसका हाल क्या है कि फौरन जुबान से पढ़े वलअल आखिर वाहिर विकले तो ये वसवसे ख़त्म हो जाएंगे ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी और इंसान पुरसकून होकर अपने रब के साथ तलक जोड़ सकता है माशा अच्छा बटी साहब ये सारी गुफ्तु के दौरान मेरे जेल में एक चीज़ रिवाइव हो होगी कि आपको याद होगा हमारी एक नशस्त रही है रमज़ान ट्रांसमिशन में जी। और हम एक दिन यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और आपने ए, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाया आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा कि एक किसी ने हमें सवाल भेजा था कि किसी ने बहुत गुनाह किए हों इतने गुनाह कि वो सोचता हो पता नहीं मेरी माफ़ी भी होनी है या नहीं तो आपने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था आपने कहा था कि उसकी शान के मुताबिक आप मांगे और आप क्या समझते हैं कि आपके गुना इतने ज्यादा हैं कि वो माफ नहीं करेगा अल्लास्तान मैं यही अर्ज फिर कर देता हूँ दे। कि उस मालक का खुद ऐलान है कि मेरे बंदे अगर जमीन गुनाहों से बरते बरते तेरे गुनाह आसमान की छत के साथ लग जाए और फिर तू मेरी बख्शिश मेरी रहमत और मेरी बरकतों पर यकीन रख के मेरे पास आ जाए तो मैं जितने तू गुना जमीन से आसमान तक लगाए हुए है ना उससे ज्यादा रहमत और बख्शिश लेकर सुबह सुबह तो घबराना नहीं परेशान नहीं होना मायूस नहीं होना शैतान का मैंने कहा कि बहुत मोहलिक हरबा है जी। कि जब किसी मुसलमान को वो बुराइयां कराने से थक जाता है नहीं कर रहा वो हार गया तो फिर वो बंदे को मायूस करता है तो मायूसी का इलाज हमने बताया सुबह ये मायूसी नहीं होनी चाहिए पैकेज के बाद साहब बहुत से सवाल हैं और उनके जवाब आप जी बिस्मिल्लाह आज कोशिश करेंगे एक दफ़ा फिर से के सारे सवाल शामिल कर लें ले सर वो वही वाली बात है कि आपको भी इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे होते हैं मुझे दे भी आ रहे होते हैं कि हमारा ये फ़लाँ सवाल था वो रह गया तो आज दे दे कोशिश करते हैं कि सब दे दे हम शामिल कर लें नहीं ले जी पहला सवाल है कोई शख्स मुस्तकिल तौर पर अपने लिए इमाम के पीछे जगह मुख्त कर ले और हर नमाज उसी जगह पर अदा करे तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है मैंने सुना है कि हमेशा एक ही जगह पर नमाज़ पढ़ने से नबी करीम सल्ला वसलम ने मना फरमाया है वैसे तो इस बात के बारे में कारी भी बड़ा अच्छा बता सकते हैं क्योंकि इनके पीछे हम डेली नमाज पढ़ते हैं ऑफिस में भी अल्लाह जी पहली बात तो यह है कि वाक़ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक जगह को मखसूस करके हर रोज़ हर नमाज वही पढ़ने से मना किया है जी अल्लाह के नबी सल ने रोकते हुए कहा न हा रसूल रजलू अलमकान ऊंट की एक आदत है कि वो जहाँ पानी पी के रेस्ट करने के लिए एक दिन बैठता है ना दूसरे दिन वही ज़रूर बैठेगा और अगर उसको वहां से रोका ना जाए तो वो हमेशा एक ही जगह पक्की कर लेता है तो आपने कहा ऊंट की तरह ना बन जाओ कि मस्जिद में एक ही जगह फिक्स करके बैठे रहो तो जगह बदलने का फ़ायदा क्या है पहली बात तो यह है कि मस्जिद तमाम मुसलमानों की मुश्तरक प्रॉपर्टी है की नहीं बेशक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी मुसलमान जो पहले मस्जिद में आ जाए जहां वो बैठ जाए वो उसी की है कोई बंदा आकर उठा नहीं सकता कि कल मैं यहां बैठा था या मैं घर से चला था या मैंने मस्जिद बनाई हुई लादा ये जगह मेरी नहीं ऐसा नहीं जो पहले आ जाए जहाँ बैठ जाए वो जगह उसकी है और बैठने के बाद फिर उसको अगर जरूरत पड़ी है वो कुरान मजीद उठाने के लिए गया उसको वजू की जरूरत पड़ गई वो वजू करने के लिए गया वापस आए तो फिर भी उसकी जगह खाली होनी चाहिए फरमाया कि वो उसका ज्यादा हक रखता कोई दूसरा बंदा वहाँ ना बैठे जी। और फिर इस मस्जिद के लिए आपने फरमाया कि अगर इन लोगों को पता चल जाए कि मस्जिद में पहले वक़्त में जाना नमाज के लिए फौरन पहले वक़्त में पहुंचना और पहली सब में बैठना कितना स्वाब है तो मुसलमान कुरन करके वारी लगाएं कि आज मेरी बारी है आज मेरी बारी पहले मैं जाऊँगा तो ये कुरन के बगैर फिर हल कोई ना मिले तो मस्जिद में पहले आना और पीछे इमाम के बैठना जो पहले आ जाए बैठ जाए लेकिन एक ही बंदा घर से पहले हमने ये भी देखा लोग जैन मत भेज देते हैं मेरा जैन मत इमाम साहब के पीछे रखा हो खुद घर में है और वो रख के चला गया है या खुद आया जगह कवर करके सेव करके तो निकल गया अपने काम काज को और फिर लोगों के ऊपर से गर्दने फलांगते हुए उनको ठुडे मारते हुए आ गया ये गलत है तो मस्जिद में एक जगह मुकर करना जो पहले आ जाए वो बैठ जाए मुख्तस ना करे उसका एक नुकसान ये भी होगा अल्लाह के नबी सल्ला ने यह भी कहा है कि क्या तुम इस बात से थक जाते हो आजद आ जाती हो कि जब एक नमाज पढ़ लिया तो दाएं बाएं मुड़ जो जी आगे पीछे हो जाओ फायदा क्या होगा सूरज में अल्लाह फरमाते हैं कि क्यामत वाले दिन ये जमीन भी बताएगी अल्लाह पूछेगा बता तेरे ऊपर क्या कुछ होता रहा है तो ये बताएगी कि मेरे ऊपर अल्लाह ये ये नेकियां भी की हैं फला बंदे ने और ये ये बुरे काम भी किए हैं तो मस्जिद के अंदर जितनी जगहों पर नमाज पढ़ी होगी वो सारा हिस्सा आपके हक में गोई देगा तो इसलिए जगह बदल बदल कर पढ़ना ये ज्यादा सवाब का काम है अलबत्त जो पहले आकर बैठ गया है उसको उठाना ये गलत है अगर कोई बंदा हर रोज कोशिश करके कि मैंने इमाम के पीछे बैठना है तो इमाम के पीछे वो शख्स नमाज पढ़े जो नमाज के मसाइल को, को जानता है जो कुरान को ज्यादा जानता है जो फराम नबी को ज्यादा जानता है तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे पीछे अकल वाले दानिश दाना लोग मसाइल को समझने वाले खड़े हूं। अगर वो ऐसा है और हर रोज वो पहले अगर बैठ जाता तो बैठ जाए लेकिन जगह बदल बदल कर पढ़ने में उसके लिए यही फायदा है कि ज्यादा हिस्से होंगे मस्जिद के जो उसके आँख में ऐसा बंदा होना चाहिए जो जरूरत की जगह पे नमाज पढ़ा सके जैसे मुक्तदी की आप बात कर रहे हैं जो पीछे खड़े होते हैं वही मुक्तदी अगर इमाम साहब को खुदा खासा को मसला हो गया है उनका वुदू टूट गया है उनको पेश आ गई है तो रिप्लेसमेंट के लिए बंदा होना चाहिए इसीलिए आपने कहा ना कि मेरे पीछे अकलो जहानत वाले पढ़े लिखे समझदार दीन के फकी लोग खड़े हूँ ताकि वो रिप्लेसमेंट आसान हो जाए ठीक है अच्छा बड़ी सब इसमें एक दो चीजें और भी ऐड कर दें कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे जाके भी नमाज पढ़ते हैं जैसे जुमे का बड़ा इज्तम होता है तो आप जब पहली सफ की बात करते हैं तो क्या वैसे ही सवाब मिलेगा फर्स्ट फ्लोर की पहली सफ का नहीं जो हाँ, इमाम नहीं। के पीछे है वो पहली साफा है ठीक है जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे ये आप ऐसे समझे मस्जिद फेल होने के बाद ये वो पिल पहले वाली साफा है जो ऊपर बनी पहली जी जी तो ये वो नहीं है जो इमाम के पीछे अच्छा उसका सवाब डिफरेंट हाँ, है ठीक है अच्छा एक चीज और हमने अक्सर देखे नमाज पढ़ने जाए तो बहुत से लोग जगह छोड़ के दूर दराज बैठते हैं और दरम्यान में जगह काफी खाली होती है और इसी तरह से सफ कंप्लीट हुई होती है लोग पीछे फिर काफी देर वेट करते हैं तो ये भी हम ये भी गलत बैठना शुरू करें ये भी गलत है कि जुमे वाले दिन अगर आप आ रहे हैं तो अल्लाह के नबी का हुक्म है कि इमाम के करीब होकर बैठो जी तो पहली सफे पहले पे मुकम्मल करें खाली जगह नहीं छोड़े और पीछे से जो आते जाए वो बैठते जाए बैठते जाए पहली सफ में जगह खाली नजर आ रही और पीछे चार सफे फैल रहे हैं तो अब वो बंदे जो आएंगे ऊपर से गुजरे फलाये फलांगना भी मना है और अगर किसी को टांग लग गई फिर गुस्सा होगा फिर लड़ाई होगी वो भी गलत है तो इसलिए पहले पहली साफ़ को फिल करें और फिर पीछे आते जाएं तो पहली साफ़ को पहले मुकम्मल करना है दूसरी को बाद में करना है ठीक है सर अगला सवाल है अगर शौहर बद हो उसकी बद की वजह से बीवी का दिल ना करे कि वो उसके लिए तैयार हो तो इस बारे में रसूल अलैहि वसल्लम की सुन्नत से क्या पता चलता है सुबह बद अखलाक हो और अल्लाह के रसूल की सुन्नत से क्या मिलता है पहले तो इस भाई को अल्लाह के रसूल सल्ला हसना का पता होना चाहिए मुसलमान घराना हो और उसको अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के खूबसूरत अखलाक का पता ना हो तो ये बदकिसमती है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बोस्तल मकारखलाक मुझे तो अल्लाह ने भेजा ही इसलिए है कि मैं उमदा अखलाक अपनी उम्र को सिखा कर रहा हूँ तो आपने सारी उम्र बेहतरीन अखलाक की तालीम दी है और आपने ये भी फरमाया अल हसन खलुक अगर नेकी चाहते हो करना तो नेकी तो है ही हसन अखलाक आप कई कोई मोमन इस हुसन अखलाक से महरूम कैसे हो सकता है आपने फरमाया दर अलकाय बेहसनुक एक मोमिन बंदा अपने अच्छे अखलाक की वजह से मीठे बोल बोलने की वजह से अच्छे तलुकत रखने की वजह से उस मोमिन का दर्जा पा लेता है जो रात बर्त हजत पड़ता है और दिन को नफरी रोजे भी रखता है तो ये अच्छा अखलाक तो बहुत बड़ी नेमत थी इसको इख्तियार करना पड़ेगा जी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन खैरकुम खैरकुम आहल ही तो मैं से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है तो बीवी ये शिक्वा करेगा उसका खामत बद अखलाक है नहीं ये नहीं होना चाहिए इस भाई को अपनी सलाह करनी चाहिए अगर ये बीवी वाकई सच्ची है तो इस भाई को अपने अखलाक को संवारना चाहिए अपने अखलाक को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर बीवियों के बारे में के को अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करना है कर तो अगर बीवी इस कदर तंग हो जाए तो ये बहुत बदकिस्मती है इस भाई को अखलाक दुरुस्त करना चाहिए अब अगर ये बीवी इस बात पर तंग आ जाए इस कदर तंग आ जाए कि वो कोई और सोचने लग जाए कि घर को छोड़ने का तोड़ने का सोचना शुरू कर दे तो ये और भी बदकिसमती है क्या कोई औरत अपने सिर्फ खामद की बदखलाक की वजह से उससे खुला मांग सकती है जी हाँ अगर खामद की, की पूरी कोशिश की है उसने प्यार से भी समझाया है मोहब्बत से समझाया है बुजुर्गों को कह के बुजुर्गों ने भी समझाया है और ये भाई साहब पता नहीं किस खुद को महमे में है कि नहीं बात आती किसी और इजोम में, में है तो फिर बीवी को अपनी सारी कोशिश करने के बाद कोशिश किया है अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं खैरनिस बेहतरीन बीवी वो है मन तसुरु इदा नज़रा खामद उसकी तरफ़ देखे तो उसका दिल खुश हो जाए यानी जितनी मेकअप खूबसूरती ये जितना भी है ये खामद का हक है बाजार जाने में दावतों में जाने में वो ज़रूरत नहीं है घर में ज़रूरत है खामत घर में आए बीवी पर नज़र पड़े तो उसका दिल राज़ी हो जाए खुश हो जाए कि अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी नियमत दी है वह तो उतरी इधा अमरा खामद कोई बात कहे तो बीवी सुने उसको माने और वाला तो खालिफ हु नफ से है वह मा लिया अपने जान और अपने माल के बारे में अपने खामद की नाफरमानी ना करें जहाँ वो कहता है रुक जाए जहाँ वो कहता है चले जाओ चले जाए जहाँ वो कहता है कि माल खर्च करो वहाँ कर दे तो ये खामद की इतात और फरमा बर्दारी करने वाली बेहतरीन औरत है और अगर इस बीवी ने यह सारी कोशिशें करके देख ली अब वो थक गई कि यह नहीं सुधरो और ऐसे हैं हामिद मुझे कल एक फोन आया बीस साल शादी को हो गए एक एक टाइम होता है बीस साल एक है ये। बीस साल है साल। साल ये। के दौरान कहती कि मेरा खामत कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने उसकी कभी नाफरमानी की हो खिदमत का पूरा हक अदा किया है लेकिन उसके अंदर जो एक खामी है वो बीस सालों में मैं दूर नहीं कर सकी और वो करना भी नहीं चाहता तो अगर यही सूरत यहाँ पर है कि ये खातून अपनी सारी कोशिशें करके मेहनत करके मुहबत दे कर भी अब थक गई है और कहती है कि ये नहीं सुधर रहा तो ये बाद अखलाक बहुत बड़ा ऐब है इसकी बुनियाद पर अगर ये अपने घर से लैदा होती हैं खुला लेती हैं तो उनका हक है जायद है लेकिन हम मशवरा नहीं देंगे हम कहेंगे कि जहाँ इतनी देर सबर किया है और सब्र करो अल्लाह से दुआएँ करो बुजुर्गों को डालो जो उसको समझाएँ और ये बेहतर हो जाए घर बचा रहे तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है लेकिन अगर वो कहती हैं कि आखिरी हाथ पर मैं पहुंच गई अब मेरे पास गुजारा नहीं है तो इस बदखलाक़ी की वजह से वो खुला ले सकती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुले का एक, एक अजीब वाक्य हुआ जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबिया आई कुरैश का ख़ानदान मालदार खतून खूबसूरत खतून आकर क्या कहती हैं अल्लाह के रसूल मैं अपने खामस सल्थ। से सल्थ। बिल्कुल राजी हूं उनके अखलाक से भी उनकी दीनदारी से भी कोई शिकवा नहीं है मुझे लेकिन फिर भी मैं उनसे खुला लेना जाना चाहती हूँ तो आपने फरमाया आप फिर क्यों कहने लगी अल्लाह लग के रसूल तभी कराहत हो गई है क्यों हो गई है कहती मैं एक दिन अपने घर में थी तो मैंने पर्दा उठाकर देखा तो ये अपने दोस्तों के साथ आ रहा था तो अपने दोस्तों में इसका रंग सबसे स्याह कद में छोटा शक्ल सूरत मुझे पसंद नहीं आई तो उस दिन से तभी कराहत हो गई है तो मैं इस खाम के घर में रह कर इसकी नशुक्री करके अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहती तो मैं चाहती हूँ कुछ सुलह सफाई से मैं इससे लैदा हो जाऊँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बाग उसने तुझे इतना बड़ा बाग हकमेर में दिया था वो वापस उनका जी अल्लाह मैं करती हूँ तो आपने कहा अच्छा ठीक है बाग ले लो और इसको इतना दे दो तो ये है सुलह सफाई के साथ जब आप समझते हैं कि मेरा गुजारा नहीं ये बहन भी अगर ये समझती हैं कि इस खामंत के साथ अब मज़ीद चलना मुश्किल है कोशिश करके देख लें असलाह की और अगर हो जाए तो अलहमदुल्ला ये बहुत अच्छा है अल्लाह रबुलज ने कुरान मजीद में ऐसी सूरत भी बयान की कि जहाँ बीवी अखड़ मजाज हो या खामद में कोई ख़ामी हो और बीवी समझ रही हो कि नहीं अब अब नहीं गुजारा होता अल्लाह ने वहाँ भी फरमाया है कि अगर आपस में कोई कमिटमेंट कर लें तो वह सुलह खैर सुलह बहरहाल फिर भी बेहतर है क्योंकि एक खामी है तो उसको दरगुजर करो और गुजारा हो रहा है बच्चे पल रहे हैं घर चल रहा है तो चलता रहना जो है ये हर सूरत में बेहतरीन है ठीक है लेकिन अगर गुजारा नहीं आखिरी इंतहाओं को पहुंच चुकी है ये नफरत यह कारत तो फिर खुले का बहरहाल इस खातून को हकाश हासिल अच्छा बेटी साहब आप जब यह बयान कर रहे थे तो इस क्वेश्चन से एक चीज़ मेरे जहन में बार बार आ रही थी जरा ये भी बताइए कि वो कैसे लोग होते हैं जिन पे मोहब्बत असर नहीं करती अल्लाह वक प्यार असर Allah नहीं Allah करता अख्लाक असर नहीं करता ये कैसे लोग ये कैसे मुमकिन है ये क्या आप प्यार देते रहे अगला नफरत देते ये किस तरह से हो जाता है अल्लाह अकबर ये बेकदरे लोग होते हैं ना नाशिक्रे लोग होते हैं जिसको घर आए घर साफ सुथरा मिले घर की हर नमत उसको मैसर हो और उनकी नज़रें कहीं और अटकी हूँ और घर आकर वो नफ़रत का इजहार करें तो ये बहुत बड़ी बदकस्मती है और इस नशुक्री पर हो सकता कि है कि अल्लाह की पकड़ आए और जितनी नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं दोबारा इसको ये मुयसर ना आए तो अल्लाह से डरना चाहिए डरना चाहिए ठीक है सर अगला सवाल है मेरे शोहर गरीब आदमी है जबकि मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती हूँ मेरे शोहर ने मेरे वालदेन से चार लाख रुपए कर्ज ले रखा है वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन वो उतार नहीं पा रहे उनकी जो कमाई है वो घर के अखराज में चली जाती है क्या मैं अपनी ज़कात की रकम से वो कर्ज़ उतारने में अपने शोहर की मदद कर अकबर ये सवाल सुन के तो मुझे बड़ी खुशगवार सी हैरत हो रही है जी। खामत जो कमाता है वो तो बीवी कहती है मैं तुम्हारी हूँ और ये तुम्हारा सब कुछ मेरा है और अगर बीवी के पास कुछ अमाउंट है वालदेन की तरफ से गिफ्ट मिली विरासत में मिली वो खामत की नहीं होती अक्सर ये देखने में आता है <laughs> अक्सर <laughs> होता है इस तरह से यानी मियां बीवी घर शेयर कर रहे हैं अपनी जिंदगियों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और खावत लाखों करोड़ों कमाए या चंद सौ कमाए लाकर बीवी को तलो जी ये है और बीवी के पास कुछ भी आ जाए वो क्यों नहीं ये हौसला पाती अच्छा बडी साहब यहां पे कहना पड़ता है कि ये वही वाली सोच है जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो भी मेरा है तो ये तो वो वाली बात है ना बल्कि बच्चे भी शिकवा करते हैं कि जो मेहमान देकर गए थे वो भी मामा ने ले वो भी ले लिया <laughs> तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस आसना क्या बताता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठे हुए आप अक्सर अपनी पहली दोजा मोहतरमा हम सब ममनू की माँ सयद खदीजा रजील्हा को याद किया करते थे तो मोमिन आयशा रदी अल्लाह के रसुल की चहेती और लाडली बीवी और हम सब की वालदा हैं। वो कहती है मुझे उनका बार बार का तस्करा ना अच्छा नहीं लगता शौंकना शौंकनों को अच्छा नहीं लगता था जी। तो एक दिन मैंने कह ही दिया अल्लाह के रसुल्लामिन वो एक बुढ़िया जो हमसे बहुत पहले फौत हो गई थी हमने देखा भी नहीं आप हर रोज उसका तस्करा करते हैं उनसे अच्छी और बेहतर बीवियां अल्लाह ने आपको दे दी अब तो भूल जाए के रसूल सल्ला तड़प्ला आप तड़प गए उस बीवी की वफ़ा उनकी मुहबत उनकी खिदमत फिर याद आ गई और फिर याद दिलाई जी आयशा ऐसा नहीं कहो और आंदा ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना कि मेरी वो बीवी वो है कि जब पूरा अरब मुझे कहता था कि तू झूठा है तो वो अकेली कहती थी कि नहीं मेरा मोहम्मद सच्चा है सुभान सुभान अल्ला, सुभान अल्ला, सुभान अल्ला। अल्ला। जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे ईमान नहीं ला रहे थे तो वो मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी थी मान लाई थी और तीसरी बात ये कही वो वासत नहीं मेरी वो बीवी मालदार थी ताजर थी जी और उसने सारा माल मेरे कदमों में ढेर कर दिया था सुबह और अल्लाह ने मुझे उससे औलाद दी है मेरे बेटे और बेटियां सब उसी से हैं आपको औलाद नहीं मिली तो इन खूबियों की बदौलत मैं समझता हूँ कि तुम नहीं उनसे बेहतर हो सकती और अम्मा जी ऐसा कहती हैं कि एक महीना अल्लाह के नबी मेरे साथ इस वजह से नाराज रहे अल्लाह रजी Allah आए। Allah आए। तो अम्मा जी की जो खास खूबियाँ बयान की उनमें एक ये भी था कि उन्होंने अपना माल फिर अपना नहीं समझा बल्कि खामन की खिदमत के लिए कायनात के सरदार के कदमों में ढेर कर दिया कि आप जहाँ मर्जी खर्च करें तो ये बीवी अल्लाह के रसूल को सारी जिंदगी भूली नहीं है बल्कि मैम मुझे याद आ गया अल्लाह के नबी घर में बैठे बड़े खुशगवार मूड में बाहर दस्तक हुई जी तो अल्लाह के नबी ने दस्तक के स्टाइल से समझ लिया कि ये मेरी साली मेरी खदीजा की बहन आई है और आप बागे उसके इस्तेमाल के लिए तो के हम आशा कहती हम हैरान हो गए कि ये कौन आया है तो अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह हाला ये तो मेरी खदीजा की बहन आ गई है रदी अल्लाह

अल्लाह के रसूल आपने आज ज़कात और सदका देने का हुक्म दिया था तो मेरा खामत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह कह रहा है कि घर में कुछ यतीम बच्चे हम पाल रहे हैं और मैं भी गरीब आदमी हूँ मेरी इतनी आमदनी नहीं है तो तुम वो ज़कात मुझे ही दे दो मैं ज़्यादा हक रखता हूँ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ सदक का इब्न मसूद अब्बुल्ल अबिन मसूद ने सही और सच कहा है कि तुम्हारी ज़कात घर में पालने वाले यतीम बच्चों और तुम्हारा खामत ज़्यादा हक रखता है तो इस बहन को ज़कात बाहर देने की बजाय बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि असल माल भी दें जो उनके पास मौजूद है वो खामत की खिदमत में पेश करें उनसे वो बिजनेस करें और इज्जत के साथ दोनों जियेंगे तो ये बहुत बेहतर है लेकिन अगर इतना हौसला नहीं पा रही तो जक़ात बाहर देने की बजाय उनका करदा तो उतारें वो कह रहे हैं कि कमा के ला रहे हैं घर के खर्चे पर पूरे कर रहे हैं इसका मतलब है माशा खामत भी मुहबत करने वाला मेहनत करने वाला इंसान है तो उसकी कदर करनी चाहिए अच्छा बेटी साहब ये भी एक तसर आ रहा है इस सवाल से तस फरमाइएगा अगर मैं गलत हूँ कि वो ये चाह रही हैं कि मैं जक़त की रकम दे दूं अपने शोहर को लेकिन उनको शायद ये कंफर्म नहीं है कि हाँ, अपने शोहर को दी जा सकती शोहर है को जक़ात दी जा सकती, दी जा है, सकती। है लेकिन वो ऐसा ना कहें ना कहें कामत को ये ना कहें कि लो ये मेरी जक़त पकड़ो और कर्जा उतारो नहीं बल्कि उनकी खिदमत में जक़ात ही की अमाउंट दें लेकिन ये बताए ना कि ये मैं जक़त अदा कर रही हूँ बल्कि कहें ले आपका कर्जा है आप ये कर्ज उतार दे ठीक है इससे मोहब्बत बढ़ेगी इन इस, इस खूबसूरत नोट के साथ कि जिससे करने से मोहब्बत बढ़ सकती है मियाँ बीवी में वो करना चाहिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा हमने कोशिश तो की कि सवाल जितने भी शामिल कर ले। लेकिन जितने जवाब बाकी इन शाला अगली दफ़ा से इसके साथ ही मैं बटी साहब आप तशरीफ़ लाए आपके आने का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ अल्लाह ताली आपको ज़ाय ख़ैर फरमाए इनके साथ कारी मोहम्मद इमरान सल्फी साहब सर आप तशरीफ़ लाए आपके भी आने का बहुत शुक्रिया लेकिन जी प्रोग्राम अभी जारी है मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है ब्रेक के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो हम बात करेंगे वही कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हम तालीम हासिल करना चाहते हैं आप में से हम में से हमारी औलाद में से हमारे जानने वालों में से हमारे अजीज़ वकारब में से जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो क्या करना है वो हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सुबह वतन